हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रमेश कुमार आज के जो टॉपिक लेके आपके लिए लाया हूं वह है भारत का प्रथम लोकपाल, भारत का पहला लोकपाल। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो एकदम ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। हालांकि इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक, लेकिन आज का जो है मेन चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट फैक्टर है, ठीक है? क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार लोकपाल का गठन किया गया है, लोकपाल की नियुक्ति की गई है, ठीक। तो आइए उसको हम समझे कि लोकपाल क्या है, क्यों लोकपाल का गठन होता है, गठन करता है तो कौन करता है, वो क्या प्रक्रिया है, कार्यकाल क्या है, ये सारी चीजों को हम एक एक विभिन्न पहलुओं पर समझेंगे। यहां पे लोकपाल का गठन अगर हुआ तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या कोई इतिहास है, तो इन सब चीजों के बारे में हम शॉर्ट में, यानी जो भी इंपॉर्टेंट है उस चीज का यहां पे हम अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड और सारे फैक्ट्स है, उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो लोकपाल पे बनाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, भारत का पहला लोकपाल। भारत का पहला लोकपाल, साधारण शब्दों में हम कहें तो लोकपाल का दोस्तों मतलब होता है जनता का रक्षक। लोकपाल का मतलब, लोक का मतलब क्या चीज, जनता, और पाल का मतलब क्या चीज है, उसका रक्षा करने वाला। तो लोकपाल का साधारण शब्दों में मतलब होता है जनता का रक्षक, किससे, भ्रष्टाचार से। तो यानी एक चीज तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि लोकपाल की नियुक्ति का जो मेन उद्देश्य है वो सार्वजनिक, यानी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार होता है, जिससे दिन प्रतिदिन आप रूबरू होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है कि जब गए आप अपना कोई काम करवाने तो वहां पर कहता है पहले कुछ दो, यानी घूस, आपकी फाइलों को दबा दिया जाता है, परेशान किया जाता है, ठीक है ना, आपके काम को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यहां पे इतना ही तक, यानी लोकपाल का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकपाल के दायरे में, यानी भ्रष्टाचार के दायरे में, प्रधानमंत्री से लेकर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद, और व्यवहारिक स्वरूप से यदि कोई सबसे बड़ा पद होता है तो कौन सा होता है, प्रधानमंत्री। तो लोकपाल के अंडर में, लोकपाल के अंडर में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद, सारे संसद सदस्य, ए बी सी डी, यानी ऐसी नौकरी जो ए ग्रेड की हो, बी ग्रेड की हो, सी ग्रेड की हो, डी ग्रेड की हो, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार पर रणनीतिक फैसला लेना, भ्रष्टाचार की निगरानी करना, जांच करना, एक एक चीजों से ये संबंधित है। तो इसका इतिहास क्या है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले स्वीडन में 1809 में, लोकपाल का गठन किया गया, लोकपाल शब्द का है। लोकपाल क्या है, एक लोकेलिटी नेम है, ये स्थानीय नाम है। हमारे देश के अंतर्गत हमने जनता के रक्षक, जो भ्रष्टाचारों से जनता की रक्षा करे, उस शब्द को हमने क्या बनाया, लोकपाल, जनता का रक्षक। लेकिन दूसरे देशों में भी बहुत सारे, जो यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, वहां से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। तो सबसे पहले तो स्वीडन में 1809 में वहां पे लोकपाल का जो नाम था वो क्या था, ओम्बुड्समैन। ये क्या चीज है, ओम्बुड्समैन। तो वहां पे लोकपाल का नाम क्या है, ओम्बुड्समैन। बाकी सब अलग अलग देशों में अलग अलग जो उनका स्थानीय नाम होता है उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपना नाम रख लिया। तो स्वीडन में पहली बार 1809 में भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन संस्था का स्थापना किया गया, उससे रिलेटेड जिस संस्था का स्थापना किया जो भ्रष्टाचार की रक्षा करे, उसका नाम रखा गया क्या चीज, ओम्बुड्समैन। तो इसी से रिलेटेड भारत में यही कॉन्सेप्ट लोकपाल के रूप में आया, और इसका उद्देश्य आपको हम बता चुके कि ये भ्रष्टाचार को रोकना और उसकी जांच करना। तो भारत में 1963 से, भारत में ही 1960 के दशक से ही अभी तक 9 बार संसद में इस विचार को लाया गया, 9 बार संसद में विचार को लाया गया। हालांकि 2013 में
लोकपाल विधेयक पारित भी हुआ, लेकिन किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी लोकपाल की नियुक्ति हो ही नहीं पाई। यानी विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन लोकपाल कौन रहेगा कौन बनेगा उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई थी। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना संवेदनशील मामला होते हुए भी अभी तक हमारे देश में कोई भी लोकपाल नहीं था। पहली बार हालांकि 2013 में, हालांकि आप याद करेंगे अन्ना आंदोलन जी का, अन्ना जी ने उतने बुजुर्ग व्यक्ति 70 से 75 साल उनकी आयु थी और इतने दिनों तक भूख हड़ताल किया। क्यों किया? लोकपाल के गठन के लिए ही उन्होंने भूख हड़ताल किया था, सड़क पे आए थे। उन्होंने पहली बार ये पूरे देश को बताया कि लोकपाल क्या है, क्यों इसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, क्यों हमारे देश के लिए ये इतना अहम है, उन्होंने पहली बार ये बताया। तो हम अपने देश में अगर लोकपाल के गठन का अगर बहुत बड़े स्तर पर अगर श्रेय देना चाहेंगे तो अन्ना जी को देंगे। तो अन्ना जी हमारे लिए क्या है, आज लोकपाल का जो गठन किया ये उन्हीं की देन है, ठीक है ना। उसके बाद उन्हीं के आंदोलन के पश्चात 2013 में लोकपाल अधिनियम क्या हुआ, पास हुआ। लेकिन फिर भी अधिनियम पास हो जाने के बावजूद भी फिर भी क्या हुआ, लोकपाल का नियुक्ति नहीं किया गया। अब पहली बार भारत में लोकपाल का नियुक्ति किया गया है और उसके विभिन्न, जब लोकपाल की नियुक्ति होगी तो क्या क्या जो पहलुए हैं उन सारी पहलुओं की हम यहाँ पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए उस चीज को हम देखा जाए। तो दोस्तों प्रथम लोकपाल, तो भारत में प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्ति किसकी की गई, तो प्रथम लोकपाल, यहां ध्यान दीजिएगा जो हम अंडरलाइन करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है, पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ये पिनाकी चंद्र घोष जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। वर्तमान में ये क्या है, राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य भी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब ये लोकपाल का जो गठन किया जाता है, लोकपाल संस्था का गठन किया जाता है तो इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और वर्तमान में वो अध्यक्ष कौन बनाए गए, पिनाकी चंद्र घोष, और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अब यहां से सवाल ये बनता है दोस्तों कि लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, तो इनका चयन किस प्रकार से होगा, तो इनके चयन करने के लिए, यानी लोकपाल संस्था के एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों का चयन करने के लिए एक चयन समिति बनाई गई है। इन चयन समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे, आइए उसको देखा जाए। यानी लोकपाल संस्था के गठन के लिए जो चयन समिति बनाया गया उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो वो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। पहला चयन समिति में कौन, प्रधानमंत्री। दूसरा लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा कौन होगा, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता। हालांकि इस बार ये पद खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे संसद में विपक्ष का कोई नेता है ही नहीं, कोई भी नेता हमारे संसद में विपक्ष का नहीं है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक नियम ये है, जो प्रावधान है वो ये है कि जो लोकसभा के कुल सदस्य होगा, लोकसभा के अधिकतम कुल सदस्यों का 10% होना जरूरी है। यानी विपक्ष के नेता, यानी विपक्षी दल के लिए ये जरूरी है कि वो लोकसभा सीटों का कम से कम 10% सीट लाए। तो हमारे लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 550। लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 550। तो 550 का 10% कितना हुआ, 55 हुआ। 550 का 10% कितना हुआ, 55 हुआ, ठीक। लेकिन कांग्रेस का मैक्सिमम, कांग्रेस ने
जो सीटें लाई है वो 44 लाई है, तो 55 जरूरी है लोकसभा विपक्ष का दल होने के लिए, लेकिन जो 44 लाया गया है, तो यहां पे कम संख्या होने के कारण कोई भी विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया, तो विपक्षी दल का नेता भी नहीं हुआ। तो यहां पे जो प्रावधान है कि लोकसभा में एक विपक्ष के नेता होना चाहिए, तो इस बार खाली रहेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है, कोई वर्तमान में विपक्ष का नेता नहीं है। अब आइए चौथे नंबर पर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। चौथे नंबर पर क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही हम भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। और पांचवा जो मेंबर होगा वो होगा कोई प्रतिष्ठित न्यायवेता, कोई प्रतिष्ठित न्यायवेता जिसे कानून का बहुत बड़ा जानकार, जिसे कानून की बहुत बड़ी जानकारी हो। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो एक बार इस पर और फोकस डालिएगा कि लोकपाल संस्था के चयन से, लोकपाल संस्था के गठन के लिए जो उसमें अध्यक्ष और मेंबर होते हैं उनका चयन कौन करेगा? उनका चयन करने के लिए एक चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में कोई प्रतिष्ठित न्यायवेता होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। और इसको तो आप बता ही दिए, इसको हमने बताया कि लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और 8 अधिकतम सदस्य होंगे। आगे आइए चयन समिति की सिफारिशों पर, चयन समिति जो ये चयन समिति है ना, ये पांच जो चयन समिति के मेंबर हैं, चयन समिति की सिफारिशों पर, इसी समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यानी लोकपाल संस्था में जो एक अध्यक्ष है, यानी जो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी है और 8 और मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति चयन समिति के संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। क्लियर, एकदम बिल्कुल प्रेम से समझिए। अब इनका कार्यकाल क्या होगा? यानी जो ये राष्ट्रपति द्वारा जो 8 सदस्यों और 1 अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, इनका कार्यकाल क्या होगा उसको देखिए। तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष, पद धारण करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की अधिकतम उम्र तक, या 70 वर्ष की अधिकतम उम्र तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष पहले पूरा कार्यकाल हो जाए या 70 वर्ष पहले आ जाए, तो ये क्राइटेरिया रखा गया है कार्यकाल का, ठीक है। अब आइए अब अगला क्या है, अब ये जो लोकपाल संस्था जो गठन किया गया, तो अध्यक्ष और जो उसमें मेंबर 8 जो मेंबर अधिकतम होंगे उनका वेतन भत्ता कैसे क्या होगा उसको हम समझ ले। तो लोकपाल अध्यक्ष के वेतन भत्ते सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान, यानी लोकपाल का जो अध्यक्ष होगा, यानी वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष का जो वेतन भत्ता होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन भत्ता जो होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा। इसके अलावा जो 8 मेंबर होंगे, इसके अलावा जो 8 जो अन्य सदस्य हैं उनका वेतन भत्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान होंगे। यहां पे एक चीज एकदम क्लियर हो गया है दोस्तों कि लोकपाल के अध्यक्ष किनके समान है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान, ठीक, एकदम इक्वल कर दिया गया। और लोकपाल संस्था के जो बाकी जो 8 मेंबर हैं वो किनके समान है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, कोई दिक्कत। अब आइए अब इस लोकपाल, ये भारत का जो प्रथम लोकपाल का जो गठन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के स्तर, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक कार्यालय, जितनी सारी सरकारी कार्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यालय हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं, ठीक, ये पूरे के पूरे सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद,
ठीक, सरकारी नौकरियों में जो ABCD ग्रुप के जो हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी जांच लोकपाल संस्था कर सकती है। यानी ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ी संस्था ये गठन किया गया। ये भारत के इतिहास में, अपनी भारतीय व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा और इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली बार इस संस्था का चर्चाएं तो बहुत बार हुई है, 9 बार चर्चाएं हो चुकी है संसद में, लेकिन पहली बार लोकपाल का गठन विधिवत तरीके से किया गया है, ठीक है ना। अब आइए कुछ और उद्देश्य में हम देखें तो केंद्र और राज्यों के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी, केंद्र और राज्यों के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी और भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप, यहां पर देखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप तैयार करना है। इन संस्था का, लोकपाल संस्था का जो मेन उद्देश्य क्या है, केंद्र और राज्यों के स्तर पर, दोनों केंद्र में भी और राज्य में भी, तो केंद्र और राज्यों के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी और भ्रष्टाचार रोधी रोड मैप तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। यानी मेन फोकस किस पर है, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को रोकना, कम करना इत्यादि, ठीक है ना। आइए अब इसके तहत यानी इस संस्था के तहत केंद्र में किसका गठन किया जाएगा, इसके तहत केंद्र में एक लोकपाल होगा और राज्यों में क्या होगा, लोकायुक्त। तो याद रखिएगा, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में क्या होगा, लोकायुक्त होगा, ठीक है ना। आगे उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करना। अब यदि बात आए कि लोकायुक्त संस्था की सबसे, यानी लोकायुक्त का संबंध किससे है, राज्यों से है, तो लोकायुक्त संस्था की सर्वप्रथम जो गठन किया गया वो किस राज्य के द्वारा किया गया, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लोकायुक्त संस्था की सबसे पहले क्या हुई, गठन किया गया, ठीक है ना। अब आइए, हमने बताया था कि इसका सबसे पहले विचार कहां पे आया था, 1809 में, और वहां पे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो एक रक्षक की भांति भूमिका निभाने वाला जो संस्था का स्थापना हुआ, उसको हमने क्या कहा, उसको वहां पे कहा गया स्वीडन में ओम्बुड्समैन, ठीक है ना। ये वहीं का कॉन्सेप्ट है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, वहां से हमने लिया है और इसको अपने रूप में ढाल लिया है, यानी लोकपाल के रूप में ढाल लिया है, ठीक। फिर उसके बाद ये विचार बड़े जोरों से, जो स्कैंडिनेवियन देश है जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह आते हैं, वहां पर इसका क्या किया, क्रियान्वयन किया गया, लागू किया गया, और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री से होते हुए अभी वर्तमान में हमारे देश में लोकपाल का गठन हुआ। तो ये मील का पत्थर साबित होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अब हमारे देश में भ्रष्टाचार पर और तीव्र गति से और अचूक तरीके से क्या होगा, रोक लगाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आशा करता हूं आज का जो ये आपका टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा मददगार होगा आपको, आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं बिल्कुल हर चीज क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।